Hello guys, am I audible and visible? Can you please confirm once? Not visible, only audible. Okay, can you see the PPT? Okay, I think I'm not visible. Okay, I'm audible. Okay. Visible, not. ठीक है. So no problem. If I'm not visible now, it's okay. But at least the PPT is visible. That is great. Okay. So let's get started now. So this is something about me. Okay, you can go through it, guys. And as you know, this I am teaching in bank and regulatory body exam also. We have a separate category for regulatory body exams. Okay, so these are my upcoming batches for RBA grade B and NABARD grade A. Okay, so you can go through it on my profile. I'll show you at the end how to select the courses. ठीक है, हाउ टू चूज द कैटेगरी एंड वॉट अबाउट द बैंक सब्सक्राइबर्स एंड वॉट अबाउट द अनदर सब्सक्राइबर्स, हाउ टू एक्सेस दिस, आई शो यू एट द एंड एंड मे बी ऑन संडे आई विल प्लान अ सेशन ऑन यूट्यूब फॉर आरबीआई एंड नबार्ड एज वेल. ठीक है, सो बिसाइड दिस मेरा जो जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस के भी बैचेस चल रहे हैं बैंक कैटेगरी में. So you can even go through it. I have completed two topics and on those topics I am taking a quiz today. Okay guys, so like you can go through these things. There is a combo offer. Okay, there is a special combo offer if you are going for a combo subscription of bank plus RBI plus NABARD. Okay, plus RBI or NABARD, dono aapka phase 2 ka preparation yahan pe ho jayega. सो कॉम्बो ऑफर में 99% का ऑफ चल रहा है. यू कैन जस्ट यूज दिस कोड रूही10 टू अवेल दिस ऑफर. ठीक है, जस्ट सी द डिफरेंस इन द प्राइसेस, इट इज एट अ वेरी रीजनेबल प्लान. यू जस्ट हैव टू पिक अप अ कॉम्बो प्लान एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट यूजिंग द कोड. इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ओके, सो टूडे आई एम कंडक्टिंग दिस क्विज बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट आई हैव डिस्कस्ड इन the session as well, in the banking static course as well, and there are some basic questions on banking. As and when we will proceed ahead with the discussion, I will be conducting this sessions on banking awareness. Okay, so the very first question of the day is a scheduled bank. Scheduled bank in India means a bank. Option A, incorporated under the Companies Act 1956, authorized to the banking business, governed by the Banking Regulation Act 1949, ya fir included in the second schedule of RBI Act 1934. Can you answer in the chat, in mein se kaun sa jo bank hai, jo scheduled bank kehlata hai? Scheduled commercial bank is such bank which is included in the second schedule of RBI Act 1934. Very correctly guys. ओके, जो आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरे शेड्यूल में आता है, ऐसा बैंक शेड्यूल्ड बैंक होता है. ठीक है, सो सच बैंक्स विच कम अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 आर एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम द आरबीआई. ओके, तो ये आरबीआई से लोन ले सकते हैं एट अ बैंक रेट एंड दे ऑल्सो गिव मेंबरशिप टू द क्लियरिंग हाउसेस. दे आर ऑल्सो गिवन मेंबरशिप टू द क्लियरिंग हाउसेस. सो एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वी विल बी स्टडिंग की क्लियरिंग हाउसेस क्या होते हैं. बट अभी ये जो आरबीआई एक्ट का प्रोविजन है, सेकेंड शेड्यूल है, इसमें कहा गया है कि ये मेंबरशिप भी इनको दी जाती है क्लियरिंग हाउसेस की. ओके, सो जहां पर शेयर्स का पैसों का क्लियरेंस होता है, ऐसे फैसिलिटीज भी इनको अवेलेबल किए जाते हैं. एंड बैंक्स जो इस सेकेंड शेड्यूल में नहीं आते हैं उनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है कहा जाता है. ऐसे बैंक जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में, आरबीआई एक्ट 1934 के
सेकेंड शेड्यूल में नहीं आते हैं, ओके, सेकेंड शेड्यूल में नहीं आते हैं, दोज आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग अपेक्स बॉडी रेगुलेट्स आरआरबीज? रीजनल रूरल बैंक, ओके, रीजनल रूरल बैंक के अपेक्स बॉडी कौन सी है? आंसर इन द चैट, आरबीआई, नबार्ड, सिडबी, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस. सो वेरी करेक्ट, द आंसर इज नबार्ड. ओके, सो जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनको रेगुलेट करता है नबार्ड. नबार्ड इज द रेगुलेटर फॉर देम एट अ लोकल लेवल. ओके, सो लोकल लेवल बैंकिंग, जैसे हम कह सकते हैं आरआरबीज, रूरल एरियाज पर फोकस बनाने के लिए बनाई गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी इन द ईयर 1975. ओके, सो ये आरआरबीज को रेगुलेट करता है नबार्ड, एंड दे हैव बीन क्रिएटेड विद अ व्यू टू सर्व प्राइमरली टू द रूरल एरियाज. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर. आउट ऑफ विच डेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश? आज ही हमने हिस्ट्री ऑफ आरबीआई पढ़ी, बैंकिंग हिस्ट्री पढ़ी. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस डेट पर एस्टैब्लिश किया गया था? कैन यू प्लीज आंसर इन द चैट? वेरी करेक्टली आंसर्ड, 1935. ओके, फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन. ओके, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई बनी थी. ठीक है, इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है. 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, एंड जब आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी हेडक्वार्टर्स थी कैलकटा में. ओके, कैलकटा में, एंड 1935 में, एंड इन द ईयर 1937 इट वाज मूव टू मुंबई. ओके, मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर्स को मूव कर दिया गया था. सो यहाँ पर याद रखना है, ये साल है जिसमें आरबीआई बनी थी, और जो एक्ट है जिसके तहत आरबीआई को बनाया गया था वो था आरबीआई एक्ट 1934 वाला. ओके, सो आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल बैंक्स इन आवर कंट्री, एंड व्हेन आरबीआई वाज फॉर्मड, जब आरबीआई को फॉर्म किया गया था, वो केवल और केवल एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स एंटिटी थी. ओके, यहाँ पर प्राइवेट पीपल का शेयर होल्डिंग था, शेयर होल्डर्स एंटिटी थी, यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी हिस्सेदारी आरबीआई में रखते थे, ना कि ये कंप्लीटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड गवर्नमेंट द्वारा की जाती थी. तो इसी के बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, वेर इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन विच ईयर. कौन से साल आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ? आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, इट वॉज डन इन 1949. ओके, 1949. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड एट द फॉलोइंग प्लेस? कोलकाता, मुंबई, दैट इज बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, या फिर नन ऑफ दिस. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो हेडक्वार्टर्स थी ओरिजिनल 1935 में, आरबीआई की हेडक्वार्टर्स कहाँ पर थी? इट वॉज इन कैलकटा. ओके, सो यहाँ पर कोलकाता है आपके ऑप्शन में और कैलकटा. ओके, तो यहाँ पर 1935 में कैलकटा ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स थी. इसके बाद 1937 में ये मुंबई में शिफ्ट की गई थी, शहीद भगत सिंह मार्ग इस प्लेस पे. याद रखना है, प्लेस का नाम है शहीद भगत सिंह मार्ग इन मुंबई. 1937 इस साल में आरबीआई की हेडक्वार्टर्स कैलकटा से मुंबई शिफ्ट कर दी गई. ठीक है, एक और फैक्ट मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था, ये 1 जनवरी 1949 में हुआ था, और आरबीआई के जोनल ऑफिसेस है चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई में. ठीक है, जोनल ऑफिसेस इसके लोकल बोर्ड्स जो है कहाँ पर लोकेटेड है? चार प्लेसेस पे लोकेटेड है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वॉज इनएक्टेड इन विच ईयर? कौन से साल में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को इनएक्ट किया गया था? 1912, 1949, 1935 या फिर 1913? सो यस, द आंसर हियर इज 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट को इनएक्ट किया गया था. और हमारे इंडिया में कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को, कोऑपरेटिव, ओके, जब मिलकर कोऑपरेटिव बैंक बनती है, ओके, मेंबर्स यहाँ पर कोऑपरेशन के साथ
जो सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, तो ये दो ब्रॉड सेगमेंट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। सो देयर आर बेसिकली टू ब्रॉड सेगमेंट्स, अर्बन एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, विच वर इनैक्टेड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। Which bank started the first RRB named Prathama Gramin Bank? Okay, हमारी पहली ग्रामीण बैंक कौन सी रही है? First RRB कौन सी रही है? Prathama Gramin Bank. ये किस बैंक के द्वारा establish की गई थी? Good evening, banking warriors. Can you tell me in which bank started this first RRB, Prathama Gramin Bank? प्रथमा ग्रामीण बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया गया सिंडिकेट बैंक के द्वारा। ओके, सो दिस बैंक स्टार्टेड द प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो ये बैंक सिंडिकेट बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक की स्पॉन्सर बैंक रही है। ओके, दिस इज द स्पॉन्सर बैंक। सो स्पॉन्सर बैंक कोई भी एक कमर्शियल बैंक होती है। रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज या फिर नन ऑफ दिस। इनमें से कौन है जो रीजनल रूरल बैंक्स को स्पॉन्सर करता है? तनिष्का, ओके, यस, रीजनल रूरल बैंक्स को स्पॉन्सर, अभी मैंने आपको बताया कोई भी नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर करती है। ओके, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक स्पॉन्सर करना मतलब उसको कंट्रोल करने का काम करती है, गाइडेंस, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें एडवाइजरी रोल प्ले करती है। ओके, सो एवरीथिंग दैट डील्स विद द आरआरबीज। ओके, आरआरबी को कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम ये स्पॉन्सर बैंक्स करते हैं और वो एक नेशनलाइज कमर्शियल बैंक होते हैं जो आरआरबीज को एस्टैब्लिश करते हैं। नेक्स्ट, Which of the following is apex institution? Apex मतलब topmost regulator. Okay, तो topmost apex institution which handles refinance for agriculture and rural development in India. India में agriculture and rural development का refinancing कौन सी institution करती है? नाम से यहाँ पे आप guess कर सकते हो, very simple, RBI, SIDBI, NABARD, SEBI या फिर NHB. Yes, the correct answer is NABARD. Okay, so NABARD is the regulator for Agriculture and Rural Development Banks in India. Next, Regional Rural Bank was established in which year? कौन से साल में RRBs का establishment हुआ था? RRBs का establishment हुआ था 1975 में. Very good. 1975. The share of state government in the capital of RRBs. अब RRBs में state government की कितनी हिस्सेदारी होती है? कोई भी रीजनल रूरल बैंक होती है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी होती है। तो कैन यू टेल मी आउट ऑफ दिस परसेंटेज व्हाट इज द शेयर होल्डिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट की आरआरबीज में 15% हिस्सेदारी होती है। ओके, सो स्टेट गवर्नमेंट की इट इज 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है 50% एंड बाकी 35% होती है स्पॉन्सर बैंक्स की। याद रखना है हमें, कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है तो यहाँ पर स्टेट कितना होता है, शेयर कितना होता है स्टेट गवर्नमेंट का? 15% होता है इन रीजनल रूरल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है 50% और स्पॉन्सर बैंक का होता है 35%. Next, what is the minimum startup capital for local area banks? Local area banks का minimum startup capital कितना होता है? 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ या फिर 500 करोड़ का? Local area banks का minimum startup capital होता है ₹5 करोड़। ओके, मिनिमम स्टार्टअप करने के लिए जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड है वो लोकल एरिया बैंक्स के लिए केवल 5 करोड़ का है। अगला, इन रिगार्ड टू लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरेस्ट रेट, लोकल एरिया बैंक्स आर गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? ओके, तो अब ये किस एक्ट के तहत गवर्न किए जाते हैं लोकल एरिया बैंक्स? किस एक्ट के तहत गवर्न किए जाते हैं? आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट या फिर आरआरबी एक्ट 1976?
So, local area banks are governed by RRB Act 1976. Okay, so chahe wo liquidity ke requirements ho, interest rate requirements ho, so local area banks ko govern karne wala jo act hai, wo hai 1976 ka RRB Act. Next, which of the following is not a fully owned subsidiary of RBI? So, आज ही हमने RBI के बारे में पढ़ा था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कितने सब्सिडरीज हैं? टोटल 4 सब्सिडरीज हैं. ओके, जो कि फुल्ली ओन्ड है, फुल्ली ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. इनमें से कौन सा जो है RBI का सब्सिडरी नहीं है? DICGC, NABARD, BRBNMPL या फिर IFTAS. ओके, कम ऑन, आंसर द हेडक्वार्टर्स इन द कॉमेंट. हेडक्वार्टर्स इसके कॉमेंट में आंसर करें. मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, यहाँ पर BRBNMPL को छोड़ के सबकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है. और BRBNMPL की हेडक्वार्टर्स जो है कहाँ पर है? बैंगलोर में है. ओके, सो BRBNMPL की हेडक्वार्टर्स है बैंगलोर में. यहाँ पे NABARD ने, RBI ने अपना स्टेक NABARD से निकाल लिया है. NABARD इज नो मोर सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाउ. DICGC ये एक सब्सिडरी है, IFTAS है. इसके अलावा और कौन सी सब्सिडरी है जो इन ऑप्शंस में मेंशनड नहीं है? यस, IFTAS की हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है, DICGC की भी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और इसके अलावा एक और सब्सिडी है रेबिट. ओके, रेबिट जिसकी हेडक्वार्टर्स भी जो है मुंबई में है. तो ऐसे कितने सब्सिडरीज हैं? 4 सब्सिडरीज है, फुल्ली ओन सब्सिडरीज है आरबीआई के, DICGC, BRBNMPL, IFTAS एंड रेबिट. एंड इन सब के हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, एक्सेप्ट BRBNMPL जिसकी हेडक्वार्टर्स है बैंगलोर में. ओके, याद रखना है आपको. अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स फाइनेंशियल सुपरविजन अंडर द गाइडेंस ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑल ऑफ दिस या फिर नन. इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल सुपरविजन किसके गाइडेंस के तहत करती है? वेरी वेरी गुड, द आंसर इज BFS, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. ओके, सो यहाँ पर RBI सारा जो फाइनेंशियल सुपरविजन का फंक्शन है, ओके, फाइनेंशियल सुपरविजन का जो फंक्शन है वो BFS के गाइडेंस के तहत करती है, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. ये एक बोर्ड है जो 1994 में कंस्टिट्यूट किया गया था एज अ कमिटी ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ RBI. ठीक है, तो RBI के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1994 में BFS इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया है जो RBI को फाइनेंशियल सुपरविजन पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है. अगला जो है DICGC, ये एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी RBI की. तो इनमें से G stands for what? ओके, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. वेरी वेरी करेक्ट. ओके, सो इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. फुल फॉर्म याद रखना है. ये डिपॉजिट्स, ओके, जो हमारे बैंक में डिपॉजिट किया हुआ पैसा होता है, ओके, जो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, ओके, सेविंग्स में पैसा रखते हैं, FD करते हैं, RD, रिकरिंग डिपॉजिट, ओके, तो ये जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं, अगर कोई बैंक डूब जाती है या फिर कोई बैंक फेल हो जाती है तो वो अपने डिपॉजिटर्स का जो है पैसा लौटा नहीं पाती है. सो यहाँ पर इन कस्टमर्स को जिन्होंने इस अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, इन कस्टमर्स को इंश्योरेंस देने का काम जो है DICGC करती है. इंश्योरेंस किसको प्रोवाइड करती है? जो इस बैंक में पैसा डिपॉजिट किए हुए हैं और वो बैंक अभी इंसॉल्वेंट हो चुकी है या फिर बैंकरप्ट हो चुकी है, अपने कस्टमर्स का पैसा नहीं लौटा पा रही है, तो ऐसे कंडीशन में DICGC कितने का इंश्योरेंस देती है? एज पर दी लास्ट बजट, ओके, पिछले साल के बजट में ही ये चेंजेस किया गया था, DICGC मैक्सिमम जो है 5 लाख का इंश्योरेंस आपके डिपॉजिट्स पे दे सकती है. ओके, अर्लियर द लिमिट वॉज ओनली 1 लाख, इट हैज बीन रेज टू 5 लाख. ओके, सो इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस ऑन योर डिपॉजिट्स इन बैंक्स.
तो यहाँ पर डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन कौन से साल में स्टैब्लिश किया गया था? अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विच ईयर इट वॉज एस्टैब्लिश, 1961, 69, 78, 82 या फिर 1980? यस द आंसर इज 1978. ओके, इसका जो एक्ट रहा था वो 61 रहा था, लेकिन डेट ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है 78 में हुई थी, 15 जुलाई 1978. नेक्स्ट एक्ट कौन सा है? DICJC वॉज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट? 1960, 61 या फिर 77 या फिर 78? जस्ट नाउ मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एक्ट है ये है 61 का, DICJC एक्ट 1961 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है. अगला, इनमें से दो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको मर्ज करके DICJC बना है. ओके, सो आफ्टर मर्जिंग टू ऑर्गेनाइजेशन विच आर दे? DIG एंड DGCI, DCI, CGCD, DIC एंड DGDI या फिर DIC एंड CGCI? कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके ये बना है? वेरी करेक्ट, इट इज DIC एंड CGCI. ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज करके DICGC बनी थी. तो इनका फुल फॉर्म देख ले, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओके, DIC, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CGCI. तो इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया गया और 1978 में 15 जुलाई को DICGC की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी. सो कॉन्सिक्वेंटली DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एक्ट 1961 के तहत बना था. ओके, तो उसी के बाद ये एक्ट का भी नाम चेंज करके द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 कर दिया. ओके, आफ्टर दिस मर्जर एक्ट के नाम में भी जो है चेंज लाया गया था. इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? अभी हमने देखा था द सब्सिडरीज की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है. सो वेरी सिंपल, यस द आंसर इज मुंबई. नेक्स्ट, वॉट विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? यस, इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है. विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया? सबसे ज्यादा ब्रांचेस कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक के यहाँ पे? बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? सो इट इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक? विच इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, DBS, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, नन ऑफ दिस. लार्जेस्ट फॉरेन बैंक जो है इंडिया का वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. नेक्स्ट, 1980 में कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था? इन 1980 हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड? एंड यू कैन टेल मी द मिनिमम कैपिटल और द इनिशियल कैपिटल, इनिशियल डिपॉजिट्स जो बैंकों के थे कितने थे इन बैंकों का जिनका नेशनलाइजेशन किया गया था? वेरी करेक्ट, द आंसर इज 6. ओके, यहाँ पे 1980 में 6 ऐसे बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया गया था. वेरी करेक्ट. नेक्स्ट, विच ईयर द सब्सिडरीज ऑफ SBI नेशनलाइज्ड? कौन से साल में SBI के सब्सिडरीज को नेशनलाइज किया गया? 1959 में SBI के सब्सिडरीज को नेशनलाइज किया गया था. व्हाट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बिफोर इट वाज क्रिएटेड थ्रू SBI एक्ट? 1955 में AD गोरेवाला कमिटी के रिकमेंडेशंस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनी थी और ये एक्ट के थ्रू बनी थी. सो बेसिकली इसका पहला नाम क्या था? सो यस, वेरी करेक्ट, थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था. इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया थ्री प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके बनाया गया था. BBM, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, ओके, एंड बैंक ऑफ मद्रास. ये तीनों बैंक आपको याद रखना है जिनको मर्ज करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था एंड बाद में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था.
सो बैंक ऑफ बंगाल बना था 1809 में, ओके, देन 1840 एंड 1843. यस, ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. इन विच ईयर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज पास, कौन से साल में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था. बिल्कुल सही है, 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग्स अकाउंट इन इंडिया. काफी ओके, जनरल क्वेश्चन, सेविंग्स अकाउंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस करने वाला पहला बैंक कौन सा था. यस, हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी या फिर बंगाल बैंक. इट वॉज प्रेसिडेंसी बैंक, ओके, जो BBM है, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये प्रेसिडेंसी बैंक ने पहली बार इंडिया में सेविंग्स अकाउंट इंट्रोड्यूस किया था. अगला है, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से साल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इंडिया का सबसे पहला बैंक रहा था, बट इट वॉज नॉट मैनेज्ड बाई इंडियंस, इट वॉज मैनेज्ड बाई द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स, ओके, ब्रिटिशर्स इसे मैनेज करते थे, ओन भी वही करते थे, बट ये इंडिया में बनाया जाने वाला पहला ऐसा बैंक था जो बना था 1770 में, ओके, 1770 में. लेटर इट गॉट लिक्विडेटेड, ओके, बाद में चल के ये बंद हो चुका था, लेकिन 1770 में पहला इंडिया का बैंक रहा है. वॉट वर द करेक्ट लोकेशंस ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया. अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंसी बैंक जो BBM होते हैं, इनके करेक्ट लोकेशंस आपको बताने हैं. कैलकटा, मद्रास, बॉम्बे, सूरत, कैलकटा, मद्रास, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, बॉम्बे, कलकत्ता, सूरत, नन ऑफ दिस, ओके. तो यही ट्रिक है हमारी याद रखने की, BBM, ओके, BBM, द आंसर हियर इज बैंक ऑफ बंगाल, बंगाल, या फिर जिसको पहले नाम दिया गया था बैंक ऑफ कैलकटा का, देन मद्रास एंड बॉम्बे, ओके. सो कैलकटा, बैंक ऑफ कैलकटा 1806 में बनी थी, उसके बाद 1809 में इसको नाम दे दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल का, ओके. सो बैंक ऑफ बंगाल ये एक्चुअली प्रेसिडेंसी बैंक्स में एक बैंक है जिसको रीनेम कर दिया गया था. फिर आपकी बैंक ऑफ मद्रास है, कौन से साल में एस्टैब्लिश की गई थी, 1840 में, सॉरी, यस, 1843 में थी, बॉम्बे 1840 में थी, ओके, बी में, सेकेंड बी कम्स फॉर 1840 एंड एम जो आता है वो 1843 के लिए आता है. सो बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में एंड बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, रीनेम किया गया था इसे 1809 में. At which place East India Company established its first presidency bank? जो पहली बैंक थी वो कौन से प्लेस पे establish हुई थी? First presidency bank. Very simple, Calcutta. Okay. First bank to open a branch in the foreign soil. Foreign soil पे पहली bank जिसने अपनी branch open की. Bank of India, State Bank of India, Bank of Punjab या फिर Allahabad Bank. No, it is Bank of India. Okay, Bank of India. Next, first bank to be wholly owned and run by Indians. Very important question, काफी बार पूछा जा चुका है. इनमें से कौन सी पहली बैंक है जो पूरी तरह इंडियंस के द्वारा चलाई भी जाती थी, मैनेजमेंट भी इंडियंस का था, ओनरशिप भी इंडियंस की थी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ. The answer is Central Bank of India was fully owned and managed, run by Indians. RBI was established under which of the following Act? Act याद हो चुका होगा, कौन से Act के तहत Reserve Bank of India को बनाया गया था. So RBI को establish किया गया है RBI Act 1934 के तहत. Okay. Next, RBI date of establishment. एग्जैक्ट डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ईयर. ओके, यहाँ पर 1st of April है, सब ईयर था 1935. नेक्स्ट,
Free Presidency Bank were amalgamated into Imperial Bank in which year? कौन से साल तीनों presidency banks को Imperial Bank में तब्दील किया गया? Yes, 1921 में, 1921 में. Next, first Indian owned bank. पहली इंडियन द्वारा ओन की गई बैंक. ओनरशिप यहाँ पर इंडियंस की थी. PNB, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद, none of this. Only ownership, not the management. Okay, owned and run by Indians was the central bank and only owned by Indians. Okay, sirf ownership yahan pe Allahabad bank. Okay, this was the largest joint stock bank. Okay, largest joint stock bank thi jo aisi pehli Indians dwara own ki gayi bank thi. Okay, so ye establish ki gayi thi 1865 mein. 1865 mein establish ki gayi thi. Iske baad establish hui thi PNB, okay, in 1895 in Lahore and Third Bank of India in 1906 in Mumbai. When was the State Bank of India merged with Bharatiya Mahila Bank? सबसे last में SBI के सारे associates merge करने के बाद last में Bharatiya Mahila Bank को भी merge किया गया था with the State Bank of India in which year? It is 2017. ओके, अप्रैल 1, 2017 में स्टेट बैंक को मर्ज कर दिया गया था भारतीय महिला बैंक द्वारा. इसके अलावा एसबीआई के 5 एसोसिएट्स को भी मर्ज कर दिया गया था एंड आर एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1955 में. नेक्स्ट, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई विच बैंक फंक्शन एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जब हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था तो कौन सा बैंक जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन करता था, बैंकर टू द गवर्नमेंट का फंक्शन करता था, रेगुलेशन का काम करता था, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता था? यस, इट वाज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो 1921 में बना था. 1921 में बना था. ओके, आरबीआई के पहले रेगुलेशन, मनी कंट्रोल, सब काम आरबीआई के तरह फंक्शंस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया संभालता था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्मड एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी. यस नीतिका, हाँ, कौन से कमिटी के रिकमेंडेशंस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनी थी? बिल्कुल सही, हिल्टन यंग कमीशन. हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था कि हमारे देश में एक ऐसी बैंक होना चाहिए जो सारे बैंक्स को फेल होते हुए बचाए. ओके, बहुत सारे बैंक्स थे जो 1920s के पहले फेल हो रहे थे एंड जिसके वजह से 1926 में रॉयल कमीशन आया, जिनको हम जानते हैं रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिनेंस के नाम से या फिर हिल्टन यंग कमीशन के नाम से. इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया कि अभी हमें आरबीआई को बनाना है. ओके, द हिल्टन यंग कमीशन सजेस्टेड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई इन विच ईयर. कौन से साल में इन्होंने आरबीआई के फॉर्मेशन की बात की थी? इन्होंने 1926 में कहा था कि हमें आरबीआई को बनाना है, लेकिन तब इनकी बात मानी नहीं थी. बाद में जाके आरबीआई बना था 1935 में. ओके, सो 1930s में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया था, तो दैट इज द रीजन फिर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशंस पर बनाया गया. आरबीआई वाज फॉर्मड एज डैश इंस्टीट्यूशन. अभी फिलहाल मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो था कैसा एंटिटी था, क्या ये गवर्नमेंट ओन था, क्या इसमें शेयर होल्डर्स थे, प्राइवेट या फिर लिमिटेड या फिर गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन था. आरबीआई जब शुरू में बना था 1935 में, ये एक प्राइवेट एंटिटी था जो कि शेयर होल्डर्स इंस्टीट्यूशन कहलाता है. मतलब इसमें शेयर होल्डर्स, प्राइवेट एंटिटीज ने शेयर्स खरीदे हुए थे. यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप थी. आरबीआई का मैक्सिमम जो स्टेक था अप टू 10%. ओके, 10% से कम, लेस देन 10% हिस्सेदारी जो थी किसकी थी आरबीआई में. आरबीआई जब बनी थी 1935 में, लेस देन 10% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की थी एंड मोर देन 90% जो था इसमें हिस्सा किसका था, इसमें हिस्सा प्राइवेट एंटिटीज का था, शेयर होल्डर्स का था.
तो इसीलिए आरबीआई वॉज फॉर्म्ड एज अ शेयर होल्डर्स इंस्टीट्यूशन. ठीक है. देन इन विच ईयर डिड हिल्टन यंग कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट. जस्ट नाउ वी हैव सीन हिल्टन यंग कमीशन ने अपना रिपोर्ट कौन से साल में सबमिट किया था. 1926 में. ओके 1926 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया. सो इट वॉज द अलाहाबाद बैंक. ओके अलाहाबाद बैंक जो थी ये सबसे बड़ी ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक रही है. नेक्स्ट फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया. चेक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाली पहली बैंक कौन सी है. बंगाल बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक. यस इट इज बंगाल बैंक. ओके बंगाल बैंक ने चेक सिस्टम को पहले इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट विच बैंक वॉज यूनाइटेड विथ पीएनबी. वेरी इंपॉर्टेंट पंजाब नेशनल बैंक के साथ 1993 में इनमें से कौन से बैंक को मर्ज किया गया था. ऑथ कमर्शियल या फिर इंपीरियल बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक. यस द आंसर इज न्यू बैंक ऑफ इंडिया. न्यू बैंक ऑफ इंडिया को 1993 में मर्ज कर दिया गया था पीएनबी के साथ. फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया. इंडिया में क्रेडिट कार्ड लाने वाली पहली बैंक कौन सी है. कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई या फिर नन ऑफ दिस. फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग कैनरा, आईसीआईसीआई, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. द आंसर इज आईसीआईसीआई बैंक ने 1994 में पहली बार इंटरनेट बैंकिंग की जो है शुरुआत की थी. फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम्स इन इंडिया. एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसको इंट्रोड्यूस करने वाली पहली बैंक कौन सी है. Yes, it is HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Okay, 1978 में मुंबई में सबसे पहले ATM इंट्रोड्यूस HSBC ने किया था. Okay, पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन है. बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर नन ऑफ दिस. वेरी सिंपल पीएनबी वॉज बेसिकली पीएनबी के जो फाउंडर रहे हैं वो है लाला लाजपत राय जी. Next, which movement encouraged the formation of commercial banks? Commercial banks किस movement के encouragement पर बनाई गई. स्वदेशी movement, quit India movement, non-cooperation, civil disobedience movement. Yes, very correct. Commercial banks स्वदेशी movement के encouragement पे बनाई गई थी. Which country started first plastic notes? Plastic notes. Afghanistan, Argentina, Australia, Austria, USA. पहली कंट्री जिसने प्लास्टिक नोट्स इंट्रोड्यूस किए थे वो थी ऑस्ट्रेलिया. ओके याद रखना है 1988 में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला लॉन्ग लास्टिंग एंड काउंटरफिट रेजिस्टेंट पॉलीमर प्लास्टिक बैंक नोट इंट्रोड्यूस किया था. ओके सो इट इज ऑस्ट्रेलिया. विच सब्सिडरी बैंक वॉज मर्ज विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2008 में कौन सी सब्सिडरी है जो SBI की जिसका SBI के साथ मर्जर हुआ था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र. ओके स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्जर 2008 में खुद SBI के साथ हुआ था. इस टाइम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेटवर्क था 423 ब्रांचेस का था, स्प्रेड ओवर 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव. So it got merged with the State Bank of India in the year 2008. Next, dash is the process by which monetary authority of a country like the central bank or the currency board control the supply of money, often targeting inflation rate or interest rate to ensure price stability and general trust in the currency. यहाँ पर केवल और केवल एक कीवर्ड है monetary authority, मतलब Reserve Bank of India. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो कौन सा प्रोसेस है जहां पर सेंट्रल बैंक खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करती है कि हमारे देश में कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट्स पर डिसीजन लेती है, प्राइस स्टेबिलिटी
को इंश्योर करती है। तो ये जो प्रोसेस है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। इन विच ईयर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कब इंट्रोड्यूस की गई थी? यस, इट वाज कमिटी जो इंट्रोड्यूस की गई थी, फ्रेमवर्क जो आया था मॉनेटरी पॉलिसी का, फेब्रुवरी 2015 में आया था। और उस वक्त भी इन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए जो रेंज सेट किया था वो था 4 ± 2 का। इसका मतलब इन्फ्लेशन हमारे देश में 2% से लेके 6% तक के, यही स्केल जो है 2015 में इन्होंने मैंडेट दिया था, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 2016 में। ओके, ये इम्प्लीमेंट किया था 2016 से 2021 तक का ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी से दिया गया था। विच सेक्शन ऑफ आरबीआई 1934 प्रोवाइड्स द पावर्स टू कंस्टिट्यूट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंस्टिट्यूट करने के पावर्स अधिकार आरबीआई 1934 के किस सेक्शन के तहत दिए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन 45ZB, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 21, सेक्शन 35। द आंसर इज सेक्शन 45ZB, याद रखना है। नेक्स्ट, इन इंडिया आरबीआई टास्क्ड विद द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग आउट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ सच मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट? पीरियड, कब, कितने बार आता है, कितने महीने के बाद? हर 2 महीने बाद। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट हर 2 महीने बाद आता है, जिसकी वजह से हम इसे बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, ओके, सो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई कुछ टूल्स का यूज करती है। टूल्स यानी इंस्ट्रूमेंट्स, वो क्लासिफाई किए गए हैं एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिलेक्टिव जनरल। ये सारे के सारे आपके करेक्ट आंसर हैं, क्वांटिटेटिव, डायरेक्ट जनरल, क्वालिटेटिव, इनडायरेक्ट, सिलेक्टिव, ये सारे के सारे अल्टरनेट नेम्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन इंडिया इज हेडेड बाय, कौन इसे हेड करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई के गवर्नर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, कौन इसे हेड करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को इंडिया में हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर। विच ऑफ दिस इज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्वांटिटी, ओके, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट मतलब जो फिगर्स में होते हैं, ये सारे के सारे फिगर्स हैं, रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये सारे क्वांटिटी के टर्म्स में होते हैं। सो ये ऑल ऑफ द अबव आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय आरबीआई? इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई के बारे में सही है? It is the bank of issue, it acts as a banker to the government, it is banker of other banks, it regulates the flow of credit. Which of this is a correct statement about the Reserve Bank of India? तो यहाँ पर सारे के सारे जो है RBI के द्वारा perform किए जाने वाले functions है। RBI currency issue करता है, right? हमारे country में currency छापने का अधिकार जो है RBI के पास है, तो it is a bank of issue. इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लोन भी आरबीआई देता है, गवर्नमेंट के लिए पैसा पब्लिक से इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में भी रेस करता है, तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर का काम करता है। अदर बैंक्स के लिए भी आरबीआई ही सहारा है, राइट, सो बैंकर टू द अदर बैंक्स एज वेल, एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना होना चाहिए, ये चीज भी खुद आरबीआई डिसाइड। Who regulates the monetary policy? Simple as that. अभी हमने पढ़ा monetary policy कौन लाता है? Reserve Bank of India. ठीक है? So पैसों के supply को control करने के लिए RBI bi-monthly monetary policy लाता है. मतलब हर 2 महीने बाद, after every 2 months. Who was the first Indian to become the governor of RBI? Mark it as a very important static question. ऐसे पहले इंडियन जो आरबीआई के गवर्नर बने थे वो कौन थे? आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख, ओके, द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर ऑफ आरबीआई इंडियन, ओके, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो इंडियन नहीं थे,
राइट, एंड जो फर्स्ट इंडियन रहे हैं वो रहे हैं सी डी देशमुख. In India, the RBI is vested with the responsibility of conducting monetary policy. This responsibility is explicitly mandated under which act? कौन से act के तहत ये monetary policy conduct करने की responsibility RBI को दी गई है? Very simple, the answer is RBI Act 1934 के तहत RBI को monetary policy conduct करने का अधिकार है. Next. MPC, Monetary Policy, is a committee of RBI headed by its governor. How many members are there? RBI के द्वारा ये जो committee head की जाती है, RBI के governor. So, और कितने members है इस committee में? इस committee में 6 members होते हैं. ठीक है? So, यहाँ पर, out of the 6 members, 6 members में से 3 जो होते हैं, वो RBI के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 3 जो होते हैं वो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं एंड मीटिंग जो होती है ये एटलीस्ट 4 बार साल में होती है आफ्टर एवरी 2 मंथ्स एंड इट इज कंडक्टेड एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर. नाउ देयर आर सम एमसीक्यूज ऑन रेगुलेटर्स. Which of the following statement related to Exim Bank are correct? इनमें से कौन सा statement Exim Bank के बारे में correct है? Shahrukh, you can join my plus. You are a plus subscriber, then you can just refer to the batches that are running. Okay, मेरे current affairs के और banking awareness के static batches भी चल रहे हैं. Okay, तो आप उन batches को join कर सकते हो. Just join my Telegram channel by searching my name. You will find it. Okay, join the Telegram channel or you will get the links available. या फिर Unacademy पे मेरा नाम सर्च करें रूही शेख, जहाँ से आप लोग मुझे फॉलो करके भी लिंक्स वहाँ से आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर Exim Bank से related कौन सा statement correct है? ये wholly owned है government of India द्वारा. Yes, Exim Bank fully owned by government of India. 1982 में establish की गई थी. For financing, facilitating and promoting foreign trade को promote करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इनको financing provide करने के लिए 1982 में इसकी स्थापना की गई थी. Exim Bank line of credit extend करती है to overseas financial institutions. Okay, so financial institutions को ये credit provide करती है. एक limit, एक line of credit set की जाती है, जिसके through Exim Bank जो है financial institutions को loan देती है. तो ये सारे के सारे statements यहाँ पर आपके Exim Bank के functions के बारे में सारे correct statements दिए हुए हैं. Which of the following are the functions of SEBI? SEBI SEBI is the regulator of stock market, share market, stock market, capital market का जो regulator है वो है SEBI. So इनमें से कौन सा जो है statement correct है? Regulator of capital market. Which of the following regulates the business in stock exchange and any other securities market? Yes, ये correct statement है. Registering and regulating the working of venture capital fund. Venture capital fund मतलब जो पैसा लगाते हैं, okay, जो investors होते हैं, जो बड़े पैमाने में जब company startup phase में होती है, okay, startup companies में ये क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं. Venture capital funds and collective investment schemes including mutual funds. ये भी correct statement है. Promoting insider trading, क्या ये correct statement है? 1 and 2 ये भी correct है. Promoting insider trading is illegal, it is not allowed. So ये क्या है? ये wrong statement है. Only option A is correct. 1 and 2, insider trading is not promoted in India, it is banned. Next, insider trading मतलब वही चीज है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज हैं, मान लो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बंदे जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा को बाहर लेके जाते हैं, लीक करते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा को लीक करते हैं, तो ऐसी चीज सेबी प्रमोट नहीं करती है. ओके, इट इज ट्रीटेड टू बी इलीगल. सो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका.
नेक्स्ट, हु इज द करंट सीएमडी ऑफ सिडबी? सिडबी के करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अप्रैल में अपॉइंटमेंट की गई थी इनकी, इनमें से प्रीवियस फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहे हैं सिडबी का, ये भी आपको बताना है। आर के माथुर है, मोहम्मद मुस्तफा है, शेखर बासु है, एस किरण है या फिर श्री शिव सुब्रमण्यम रमन है? कैन यू टेल मी द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, द आंसर इज श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। अप्रैल में इनकी अपॉइंटमेंट हो गई थी रिप्लेसिंग मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद मुस्तफा वॉज अ फॉर्मर सीएमडी ऑफ सिडबी। अब सिडबी बनी क्यों थे? सिडबी वॉज डेवलप्ड टू रेगुलेट और कंट्रोल द MSMEs, द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, MSMEs को रेगुलेट करने के लिए ये सिडबी को बनाया गया था। सिडबी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनिशियली एज अ होल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ RBI, ICICI, IDBI, SBI या फिर नन ऑफ दिस। इनमें से कौन सी होल्ली ओन सब्सिडरी है? सिडबी इनकॉर्पोरेट की गई थी इनिशियली एज अ होल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ IDBI, वेरी करेक्ट। ठीक है, सो 1990 में सेटअप ऑन April 2, 1990 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ होल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक चीज मैंने हाथ से बता दी आपको, MSMEs को के ग्रोथ के लिए, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए और इनको कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए सिडबी यहाँ पर बनाई गई थी। NABARD was established on the recommendation of which committee? NABARD को बनाया गया था किस कमिटी के recommendations पे? बी शिवरमन, नरसिम्हम, एन एस विश्वनाथन, जी वी रामकृष्ण, none of this. NABARD को बनाया गया था on the recommendations of बी शिवरमन कमिटी। ओके, एक और नाम है यहाँ पर क्राफी कार्ड कमिटी। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में अगर क्राफी कार्ड होता तो वो भी आपका सही आंसर होता। ओके, ग्राफिक कार्ड कमिटी या फिर बी शिवरमन कमिटी के रिकमेंडेशन पे 1982 में NABARD को एस्टैब्लिश किया गया था। NABARD ये एक अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन अ कंट्री एंड जिसकी हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में है। एक्जिम बैंक ने अपनी शुरुआत कौन से साल में की? अपने ऑपरेशन की शुरुआत एक्जिम बैंक ने की कौन से साल? 1982 में। ओके, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक इज द प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जिसकी एस्टैब्लिशमेंट 1982 में हुई अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। NABARD वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट? कौन से साल में NABARD को एस्टैब्लिश किया गया था? कमिटी अभी मैंने बताई थी आपको, बी शिवरमन कमिटी या फिर क्राफी कार्ड कमिटी। वेरी गुड, द आंसर इज 1982। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? इंडिया का पहला डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है? बैंकों को डेवलप करने के लिए फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था IFCI लिमिटेड। Which of the following correctly describes constitution of SEBI? SEBI 12 October 1988 में constitute किया गया था as interim administrative body under the finance ministry. It was constituted in 1988 as an interim administrative body under the corporate affairs ministry. या फिर it was constituted under the commerce industry or under the finance ministry. So the most appropriate one here is option D. SEBI 12 April 1988 में बना था, 1988 में as an interim administrative body under the finance ministry. Okay, next, appointing authority of banking ombudsman. Ombudsman क्या होते हैं? ये RBI के द्वारा appoint किए गए officials होते हैं, representative होते हैं जो सारे इश्यूज को, ग्रीवियंसेस को, जो भी बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड हमें कोई भी इशू होता है उनको हम बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास लेकर जा सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड
इश्यूज को एड्रेस करने के लिए आरबीआई अपने ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो होते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। तो यहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन आरबीआई अपॉइंट करता है। व्हाट इज द वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी? सिडबी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? यस, कंप्लेंट रेड्रेसल मैकेनिज्म है बैंकिंग ओम्बड्समैन। हमारे टर्मिनोलॉजीज के अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, बैंकिंग ओम्बड्समैन कैसे चलता है, कितने दिनों के अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। ओके, तो जो स्टैटिक बैच चल रहा है उसमें मैं आपको वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर कवर करूंगी। यस, द आंसर इज सिडबी प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर प्रमोशन फिनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए ये सिडबी बनाया गया था। सिडबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ईयर तो आपको पता है, एग्जैक्टली डेट बता दो यहाँ पर सिडबी के एस्टैब्लिशमेंट की डेट। यस, द आंसर इज 2 अप्रैल 1990। Which of the following is not a financial regulator? इनमें से कौन सा जो है कोई भी तरीके का रेगुलेटर नहीं है, फाइनेंशियल रेगुलेटर नहीं है? Yes, IRDA regulates insurance sector. Okay, सारे insurance companies को regulate करता है IRDA. PFRDA regulates which company or not? SEBI capital market and SIDBI the micro MSMEs, PFRDA bhi regulator. Can you tell me which companies does it regulate? PFRDA pension funds. Okay, pension companies ko ye regulate karta hai, pension fund companies ko ye regulate karta hai. To yahan par none of this aapka answer hona chahiye. तो यस गाइस, आई होप यू लाइक द सेशन। सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, ठीक है? सो आई होप आप सबने सेशन को एंजॉय किया। सो यस, इफ द सेशन वाज हेल्पफुल काइंडली हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो आगे ऐसे ही जैसे मैं आपका स्टैटिक पोर्शन प्लस कोर्सेस में कवर करूंगी 4:30 बजे के प्लस बैच में सारे आपके बैंकिंग के टॉपिक्स कवर करूंगी, और ऐसे ही आपके लिए प्रैक्टिस सेशन एमसीक्यूज के फॉर्म में आते रहेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड इट। वी हैव वेरियस टॉपिक्स विच आर टू डिफिकल्ट। ओके, बहुत सारे वास्ट टॉपिक्स है जो अभी कवर करना है, ये तो सिर्फ आपका एक बेसिक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। मेरे आरबीआई और नबार्ड के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, जो भी स्टूडेंट्स सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप 99% का लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठा सकते हैं यूजिंग द कोड रूही10। आपको ये ऑफर जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू गाइस, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड इफ यू हैव मिस्ड। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।